गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने क्रीप व्यू की स्टडी किया. ओके, तो आपके कमेंट में था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रीप यार्न एंड क्रीप व्यू. ओके, तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रीप फैब्रिक होता क्या है. ओके, तो जो हमारा क्रीप, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे. फर्स्ट है क्रीप व्यू, ओके, क्रीप फैब्रिक और क्रीप यार्न. तो अल्टीमेट बनना क्या है, हमें किस चीज़ से मतलब है, क्रीप फैब्रिक. तो क्रीप फैब्रिक हम किससे बना सकते हैं, क्रीप यार्न से भी और वीव से भी. ओके, तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रीप फैब्रिक होता क्या है. क्लियर, तो क्रीप फैब्रिक है एज टाइप का फैब्रिक है जो प्रोड्यूस जनरली क्रीप फैब्रिक से हम शर्टिंग, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पज और होम फर्निशिंग, ठीक है, और लेडीज वियर, इस टाइप के फैब्रिक्स बनाते हैं. तो क्रीप फैब्रिक होता क्या है, तो क्रीप फैब्रिक वो फैब्रिक होते हैं, जैसे क्रीप फैब्रिक आर दोज फैब्रिक विच हैव इररेगुलर फेस इफेक्ट एंड दस टाइप ऑफ इफेक्ट आर प्रोड्यूस इन बोथ वे बाई यूजिंग स्पेशल वार्प्स, वार्प यार्न एंड वेप्ड यार्न और स्पेशल वीव. ओके, इफ वीव गेट सम इफेक्ट बाई यूजिंग वीव्स, इफ अगर हम कोई भी इफेक्ट लेते हैं, इफ वी गेट सम इफेक्ट बाई यूजिंग वीव्स दस इज नोन एज क्रीप वीव. एंड ऑल्सो इफ रफ इररेगुलर सरफेस आर ऑफ्टन प्रोड्यूस बाई यूजिंग स्पेशल प्रिपेयर्ड वार्प एंड वेप्ड यार्न which have a high twist factor that cause them to crimp or curl on the fabric. Thus, yarn are also known as creep yarns. And generally, the fabric are produced from them, taken, them are of plain cloth. Okay? तो मतलब क्या है कि हमें creep का fabric जो है, creep fabric, वो इस तरीके से होगा कि उसमें highly twist हो, curl हो, irregular surface हो, ठीक है. तो अगर या तो हम उसे इस टाइप का इफेक्ट फैब्रिक में ला सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल व्यू, ठीक है, स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ व्यू. तो उन स्पेशल व्यू को हम बोलेंगे क्रीप व्यू, जिसके हमने चार मेथड्स देखे हैं. वो चार अलग अलग मेथड से क्रीप व्यू बनाई जा सकती है, जितना भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंड्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्स चाहिए. ठीक है, तो क्लियर हुआ. फर्स्ट अगर हम वीव से क्रिएट करते हैं ऐसा फैब्रिक जिसमें इररेगुलर इफेक्ट्स हों, ठीक है, और सरफेस उसका कर्ली हो थोड़ा, तो ये चीज़ आ जाएगी कि वो बीव जिनसे बनाए वो आ जाएगा क्रीप व्यू. या फिर स्पेशल तरीका है कि हम वो इफेक्ट यार्न पे ही लाएं, ऐसा हाईली ट्विस्टेड यार्न हो जिसका ट्विस्ट फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्रिम्प ज़्यादा करेगा, कर्ल ज़्यादा करेगा. तो हमें एडवांटेज ये है कि अगर हमारा क्रीप यार्न से हम क्रीप फैब्रिक बना रहे हैं तो हमें बीव प्लेन से ही बना सकते हैं. यानी क्रीप यार्न का अगर हम वार्प में और वेप्ड में दोनों में यूज करते हुए प्लेन फैब्रिक बनाते हैं तो जो फैब्रिक का अपीयरेंस होगा, लुक होगा, वो क्रीप फैब्रिक की तरह आएगा, ठीक है. और वही अगर हम स्पेशल वीव ही इंसर्ट कर देते हैं तो भी वो इफेक्ट आएगा. मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें फैब्रिक वो बनाना है, हम उस फैब्रिक को क्रीप फैब्रिक कहेंगे जिसका इररेगुलर सरफेस है, ठीक है, और हाईली ट्विस्टेड है, कर्ल है, तो वो चाहे हम वीव से ला रहे हों इफेक्ट या यार्न से ला रहे हों, ठीक है. तो अगर ऐसी कोई वीव कि जिस वीव से अगर हम फैब्रिक बनाते हैं तो उसमें इस टाइप के इफेक्ट, सिमिलर इफेक्ट्स आएंगे, तो वो कहलाएगा क्रीप व्यू. और अगर हम पहले से ही यार्न ले लेते हैं, हमारा यार्न है, ठीक है, और उस यार्न को हमने एज अ वार्प यूज किया और एज अ वेप्ड यूज किया, ठीक है, उस यार्न में हमारा स्पेशल यार्न था, हाईली ट्विस्टेड था, ठीक है, ट्विस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा था, कर्ली था, कर्ल ज़्यादा होगा, क्रिम्प ज़्यादा होगा, ठीक है, और भी चीज़ें होंगी. तो उससे जब हम वार्प और वेप्ड में दोनों हाई ट्विस्ट यूज करेंगे और कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है उसको, डिफरेंट टाइप्स के ट्विस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको किसी पैटर्न पे अगर जब हम यूज करेंगे तो उससे जो फैब्रिक बनाएंगे वो नॉर्मल फैब्रिक से तो डिफरेंट बनेगा, तो वही डिफरेंट ही तो क्रीप फैब्रिक है. ओके, तो इस प्रकार से हम क्रीप यार्न और क्रीप फैब्रिक, ठीक है. तो फिर से फाइनल एक बार करते हैं कि दोनों सही हैं, क्रीप यार्न भी होता है, क्रीप व्यू भी होता है और क्रीप फैब्रिक. हमें मतलब किससे, क्रीप फैब्रिक से. क्रीप फैब्रिक बनाने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, बाय व्यू और बाय स्पेशल यार्न, ओके, वार्प एंड वेप्ड में. तो अगर बाय व्यू यूज करते हैं तो बाय व्यू हमारे पास फोर मेथड्स हैं, ओके, जैसे फर्स्ट मेथड है आपने पढ़ाई है कि क्रीप व्यू अपॉन सैटिन बेस, तो उसमें उस मेथड से हम कितने भी एंड्स और पिक्स को लेके क्रीप व्यू बना सकते हैं, ठीक है. दूसरा मेथड था हमारा बाय विथ यूजिंग प्लेन व्यू, ठीक है, तो प्लेन थ्रेड्स के साथ हम उसे मर्ज करके
भी बना सकते हैं, उस पर भी हम टोटल नंबर ऑफ एंड्स और पिक्स का एक रिपीट बना के उस इफेक्ट ला सकते हैं। तीसरा रिवर्सिंग ऑफ स्मॉल मोटिफ, तो तीसरा मेथड था वीव का कि रिवर्सिंग मेथड से भी हम बना सकते हैं। और चौथा था इंसर्टिंग ऑफ वन व्यू टू अनदर व्यू, तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू व्यूज को हम एक मर्ज करके, ठीक है, या मास्क करके उतने ही एंड्स ऑफ पिक्स में अगर डिजाइन बनाते हैं और क्रीप का इफेक्ट आता है। क्रीप के डिजाइन में हमें देखा ही है कि प्लस का साइन आना चाहिए, तो इस हिसाब से भी हम क्रीप फैब्रिक बनाएंगे। तो अगर क्रीप व्यू से भी बना हुआ है, क्रीप फैब्रिक है, और एक क्या होगा कि एक नॉर्मल यार्न पे अगर हम ये व्यू इंसर्ट व्यू से फैब्रिक बना रहे हैं तो जो क्वालिटी आएंगी, ठीक है, तो उसी को क्रीप फैब्रिक बोलेंगे कि इररेगुलर सरफेस है, ठीक है, हाईली कर्ल है, हाईली ट्विस्टेड है। और इसी तरीके से क्या होगा कि कहते हैं अगर हम पहले से ही जो यार्न यूज कर रहे हैं वार्प यार्न और वेप्ड यार्न, तो दो सीरीज फैब्रिक बनाने के लिए, प्लेन फैब्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, टू सीरीज ऑफ, वन सीरीज इज नॉन एज वार्प एंड अनदर सीरीज इज नॉन एज वेप्ड। तो अगर वार्प में भी और वेप्ड में भी हम कोई स्पेशल यार्न यूज करते हैं जिस स्पेशल यार्न में हाईली ट्विस्ट फैक्टर है, ओके, हाईली ट्विस्ट फैक्टर है, तो इस तरीके के यार्न पे क्या होगा कि वो जब फैब्रिक बनाएगा तो कर्ल करेगा या एक दूसरे तरफ खींचेगा, ठीक है, तो वो जो प्लेन फैब्रिक भी बनाएगा तो नॉर्मल यार्न से बना हुआ प्लेन फैब्रिक एक हाईली ट्विस्टेड डिफरेंट ऑर्डर और ट्विस्टेड के यार्न को लेके कॉम्बिनेशन के साथ अगर एक हम फैब्रिक बनाएंगे तो दोनों फैब्रिक के अपीयरेंस में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो एक स्पेशल जो डिफरेंस है इररेगुलर सरफेस का उसी को हम क्रीप फैब्रिक बोल रहे हैं। तो अगर बाय अगर यार्न से बन रहा है तो हम उसे बोलेंगे क्रीप यार्न, ओके, तो क्रीप यार्न क्रीप व्यू दोनों से हम क्रीप फैब्रिक बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।